उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग बहुत दिनों बाद नानी के घर जा रहे हैं, तो चले चलते हैं नानी के घर, फिर वहाँ जाके मैं बाकी का ब्लॉग बनाऊंगी। A few moments later. तो हम नानी घर पहुँच गए। नानी के घर का रास्ता थोड़ा लंबा और ख़राब, लेकिन कोई मसला नहीं, हम पहुँच गए। अरे कहना क्या चाहते हो? नानी बहुत खुश हुई थी कि हम लोग इतने दोनों बात आए। और ये नानी का कमरा है, और नानी ही बाहर गई है सामान लेने। और ये रिशा टैब देख रही है, इसके बाद और कोई काम नहीं है। इसके पेपर है 29 अगस्त को, और ये तैयारी करने की बजाय टैब देख रही है। और ये फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। समझ रहे हो आप? और मुझे ये बहुत पसंद है। अभी 1:20 हो रहे हैं और नानी सामान लेने गई। जब नानी सामान लेके वापस आएंगी और जब नानी खाना बनाएंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नानी किस तरह खाना बना रही है और नानी क्या बना रही है। अल्फा तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं गेम खेल रही हूँ। नानी ले आई मटर, और ना मम्मा ने, मेरी मम्मा ने फरमाइश की थी नानी से कि मम्मा मटर पुलाव खाएंगी, तो इसलिए नानी मटर ले आई है, क्योंकि मैं नानी को पुलाव में मटर डालना है। तो अभी नानी भी हमारे साथ बैठी हुई है। तो नानी आप बताइए, हम यहाँ पे आपके घर आए तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। ओह, ऐसे नानी खुश नहीं होती जब हम आते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस, अभी तक मेरी बहन व्लॉग करी थी और अब मैं कर रही हूँ। और वैसे ये देख सकते हैं कि नानी ने प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे। नानी को प्लांट्स का बहुत शौक है, तो नानी ने अपने मतलब घर के एक कोने में मतलब बहुत प्यारा सा ये प्लांट लगाया है। ये मुझे बहुत पसंद है नानी का, और नानी का ख्याल ही बहुत रखती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी नानी ले आई थी मटर, मैंने जैसा कि आपको दिखा दिया। जब खाना पक जाएगा तो फिर हम खाना खाएंगे। और ये मैं नानी किचन में आई हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे नानी लौकी गोश्ती बना रही है। वो मेरी नाना के लिए बना रही है, क्योंकि नाना मटर पुलाव खाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे नानी ने कुकर में मटर और आलू को बॉईल किया, आई मीन पका लिया, तो उसको भी अच्छे से, मुझे नहीं पता मैं खाना पकाने में इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे नानी चावल की पतीली चढ़ा दी है, इसमें चावल पकाएंगे नानी। वो खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। मेरी नानी खाना बहुत मज़े का बनाती है। ये नानी टेक्निक है, चिकन है, सब सही है, सही है। ओ सही है भाई। अब इसमें नानी चावल डाल देंगे और चावल बॉईल हो जाएंगे, और फिर हमारी आलू मटर आलू पक गए। नाना से बोलेगा चावल भी है। नानी इसमें चावल भी डाल दिए, और अब इसको नानी मिक्स करके क्या करना है? इसमें पानी डालना है और इसमें नमक ऐड करना है, बस। नमक स्वाद अनुसार, आपकी मर्जी। वो आपकी मर्जी की मर्जी है। चावल देखते हैं कितने मजे का लगे। चलो अभी पका भी नहीं है, जब पक जाएगा तो फिर हम उसको टेस्ट करके नानी मैं आपको बताऊँगी कैसा बना। ऐसे हमेशा बहुत मजे का बनाती है। बाकी मैं सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाती, मैं सब्ज़ी बहुत देर खाती हूँ, मुझे सब्ज़ी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। पानी भी डाल दिया नानी ने। गुड। नानी ने पानी भी डाल दिया, और अब नानी ने बोला इसको कवर कर दो ताकि ये पक जाए। और मैं लौकी को भी नानी ने कवर कर दिया, क्योंकि ये अभी भी पक रही है। नानी ने एक साइड में प्याज भी ब्राउन कर लिए थे, क्योंकि ये ऊपर से डाली खाते हैं, क्योंकि ऊपर से डाली खाते तो बहुत मज़े का लगता है। मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। चटनी बनाई। अच्छा, कुछ बने या ना बने, मुझे चटनी बहुत पसंद है रानी के हाथ की, क्योंकि रानी चटनी बहुत मज़े की बनाती है। हैंडमेड बनाया था, एक ये बनाया हैंडमेड, इसके ऊपर एक फ्लावर भी रखा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ चले गया। रानी, इसका फ्लावर कहाँ गया? अच्छा रानी ने इसका ढक्कन से फ्लावर बनाया था, शायद वो गिर गया, पर अच्छा लग रहा है। मेरी नानी बहुत क्रिएटिव माइंड है, वो कुछ ना कुछ एडल्स, पता नहीं किसके नाम भी नहीं लिखा हुआ होंगे। चलो छोड़ो, और अभी 14 अगस्त गुजरी है। आप मुझे कमेंट करें कि किस किस ने 14 अगस्त मनाई, मैंने नहीं मनाई। नानी हमारी खाना पकाने बिजी है, तो जब तक हम वीडियो खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग ही बताएं
कि आप लोग को लूडो खेलना पसंद है। अगर पसंद है तो कमेंट में बताइए। लेट है और यहाँ पे मटर पुलाव आई मीन मटर आलू। मैंने इसमें आपने क्या डाला अभी? कलर कलर। और ये मैंने जैसा बताया था ब्राउन प्याज जो डालनी थी वो इसके ऊपर डालते हैं, ना ही डाल दी। और ये मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली ऊपर वाली प्याज। और ना यहाँ पे एक पैन में ऑयल गर्म करनी है क्योंकि इसमें नानी ने नानी को कबाब फ्राई करने वो। पूरे कबाब डाल दिए और ये फ्राई हो गए और आप मिलते हैं दस्तरखान पे, ठीक है नानी? गुड बाय। सो अब हमारा खाना लग गया है, खाना रेडी हो चुका है। नानी ने कबाब फ्राई कर दिए, सैलेड बना दिया और ये पुलाव। तो खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी मैंने खाना टेस्ट किया और खाना बहुत मज़े का बनाया नानी ने। थैंक यू नानी। मेरी नानी और मामा जा रही हैं बाहर किसी काम से और गेट बंद कर देंगे। मेरी मामा और नानी जा रही हैं किसी काम से, क्या शॉपिंग पे जा रही हूँ लोग। और अभी लाइट है नहीं और मैं बोर होंगी यहाँ पे। मेरी बहनें दोनों बहनें सो रही हैं और मैं अकेली यहाँ पे। One hour later. तो अभी 7 बजने वाले हैं और लाइट अभी अभी आई है और मामा नानी अभी तक नहीं आई हैं। तो बिस्तर बहुत फैला हुआ था, मैंने और अलिजबा ने सोचा है कि इसको सेट कर दें। तो अभी अलिजबा इसको सेट कर रही है और कुछ करने को आई नहीं, हम लोग फारिग बैठे हैं बिल्कुल। Two hours later. मेरी मम्मा और नानी शॉपिंग से वापस आते वक्त उन्होंने बर्गर ले लिया और बर्गर यहाँ के बहुत मज़े के होते हैं। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अब वो टाइम नहीं दिख रहा होगा और हम अभी सो के उठे हैं। और फिर याद आया था कि कल व्लॉग की तो एंड ही नहीं किया था, तो व्लॉग आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं।